सब्सक्राइब करें मेरे चैनल यूमी ऑन यूट्यूब को, और यहीं पे जो बेल का आइकन है इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यहीं पे आप मेरे दूसरे चैनल का लोगो देख सकते हैं, दिव्या व्लॉग्स, आप इसको भी यहीं से सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या। आज मैं लेके आई हूँ मैगी मसाला की रेसिपी, और वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में, यानी इंडियन तड़का लगा के। वैसे तो मैगी कई तरीके से बनती है, 2 मिनट में भी बन जाती है, 10 मिनट भी लगते हैं बनने में, अलग अलग तरीके से बनती है। लेकिन आज मैं जो लेके आई हूँ वो कि मैं किस तरीके से मैगी मसाला बनाती हूँ, थोड़ा सा उसमें इंडियन टच डाल के, इंडियन मसालों का थोड़ा स्वाद डाल के। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है, आपको बहुत पसंद आएगी, अच्छी लगेगी, तो लाइक शेयर करना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 से 3 टेबलस्पून इसमें चम्मच तेल डाला है, और तेल जैसे ही गर्म हो गया है पैन में तो सबसे पहले मैंने उसमें जो लाल मिर्च होती है ना उसको थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाला है। 2 लाल मिर्चें यूज़ की हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे स्लाइस्ड अनियन डाला है, आप चाहें तो इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन इस तरीके से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा ट्राई करके आप देखें। और फिर ये जैसे ही थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइटली ये ब्राउन हो जाएगी, बहुत ब्राउन नहीं करना है, तो 2-3 मिनट के भुनने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और स्लाइटली ब्राउन हो जाएगी, तब हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम और गाजर। तो गाजर और यहाँ पे शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल पतला पतला काट लिया है, उसको भी चाहें तो आप चॉप करके डाल सकते हैं। और मुट्ठी भर मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर डाली होगी, तो अगर आपके पास फ्रेश है, फ्रेश डालना है तो थोड़ा बॉयल करके पहले से ही रख लीजिए फिर यूज़ कीजिए, फ्रोज़न वाली जो होती है वो तुरंत कुक हो जाती है, तो मैं इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ किया है। और गाजर, एक छोटा सा गाजर था, और शिमला मिर्च भी आधी शिमला मिर्च मैंने यूज़ की है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ की है। तो इसको हम लोग 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही हम लोग खुला भूनते रहेंगे ताकि सब्जियों का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए और सौंधी हो जाए सब्जियाँ। तो 2 मिनट के भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे इंडियन स्पाइसेस, यानी कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और 1/4 या 1/3 टीस्पून के बराबर गरम मसाला डालेंगे, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा सा आता है। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो मसाले हैं वो जलने से भी बच जाएं और उनका कलर बड़ा अच्छा सा आए, और इसको हम लोग खुला ही भून लेंगे इसी तरीके से 1-2 मिनट के लिए हम भून लेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो अपना असर छोड़ सकें इसमें। तो इसी तरीके से खुला हुआ हम लोग भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ टमाटर, मैंने बहुत छोटा छोटा नहीं काटा है, बहुत छोटा काटने से उसका टेक्सचर अलग आ जाता है मसाले का, तो मैंने ठीक ठीक काटा है, एक बहुत बड़ा टमाटर था, अगर बड़ा टमाटर नहीं है तो आप 2 छोटे छोटे टमाटर भी ले सकते हैं। तो टमाटर के बाद मैं इसी समय इसमें नमक ऐड कर देती हूँ स्वादानुसार, 1 चम्मच के बराबर डाला होगा मैंने, तो नमक को अच्छे से मिला देंगे क्योंकि हमें इस टमाटर को पकाना भी है। तो इस टमाटर को थोड़ा सा पकाने के लिए हम ढक देंगे, ढक्कन लगा के 1-2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे लो फ्लेम पे, और फिर हम 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा के चेक करेंगे कि टमाटर हमारा पक गया या नहीं। तो बहुत ज़्यादा सॉगी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठीक अगर टमाटर पक जाता है तो भी चलता है, इसका पेस्ट नहीं बनाना हमें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रहेगा अगर तो भी ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे। तो मैगी मसाला का जो पाउच आता है, सैशे आता है, वो आपके ऊपर है, आप उसका कितना टेस्ट चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 3 सैशे यूज़ किया है, आप मैगी कितनी यूज़ कर रहे हैं, मैं 2 मैगी यूज़ कर रही हूँ तो उसके हिसाब से 3 सैशे डाला है, तो आप उसी हिसाब से उसका यूज़ करें। और फिर थोड़ा सा पानी डाल के, मैं कोई भी मसाला डालती हूँ तो पानी ज़रूर डालती हूँ थोड़ा सा, ताकि मसाला जले नहीं, बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर ही हो लेकिन उससे अच्छा रहता है मसाला। तो ये मसाला मैंने मिला दिया और उसको 1-2 मिनट के लिए भुना लो फ्लेम पे, और यहाँ पे मैं देगी मिर्च बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, केवल कलर के लिए, इससे कलर बड़ा अच्छा लगता है मैगी का, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। बस उसके बाद हमने इसमें पानी डाल दिया है, यहाँ पानी मैं 3 कप के बराबर डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से अगर आपको ग्रेवी रखनी हो तो थोड़ा ज़्यादा डालें,
लेकिन 3 कप ठीक है। फिर बीच में हम उठा के जैसे ये खोलने लगेगा पानी, हम चेक कर लेंगे कि कब बॉयल स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही बॉयलिंग स्टार्ट हो जाएगी हम उसमें मैगी डाल देंगे और मैगी को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे इसमें। तो ये देखिए मैंने मैगी नूडल्स डाल दिया है और फिर उसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अब हम एक ढक्कन लगा देंगे इसको और अगले 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। और 2 मिनट के बाद आप चेक करें ढक्कन हटा के, इसको हम एक बार फिर से उलट पुलट कर देंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि जहाँ जो मैगी पड़ी है वहीं पड़ी है, तो इस तरह कुकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो कुकिंग चारों तरफ अच्छे से हो जाए, नूडल्स अच्छे से पक जाएँ सारे तरफ, इसके लिए हमें ये ज़रूरी है। इसको उलट पुलट करके हम फिर से ढक देंगे और अगले फिर 2 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। तो इससे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और हमारी मैगी मसाला तैयार है विद इंडियन तड़का, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बस मैगी बन चुकी है, हम गैस ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे और हम अगले 1 से 2 मिनट के लिए इसको यूं ही छोड़ देंगे ताकि जो टेक्सचर है उसका वो और अच्छा हो जाए। तो 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है मैगी। फटाफट इसको हम सर्व कर लेंगे, गर्मा गर्म अपना मैगी इंजॉय करिए। लेकिन ये जो मैगी आप खाएंगे इसका टेस्ट बहुत अलग होगा क्योंकि इसमें इंडियन मसालों का स्वाद भी रहेगा, तो बहुत ही टेस्टी और यमी लग रही है देख के। आपको भी ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। आप चाहें तो इसमें एडिशनल ऐड कर सकते हैं चीज़ वगैरह ऊपर से, अगर आपको शौक है चीज़ का तो इससे स्वाद और बढ़ जाता है, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी मैगी आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।